आपके साथ कविता राणा। बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार इस समय फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बिजी स्टार्स में से एक हैं, क्योंकि वो बैक टू बैक फिल्मों की शूटिंग करने में लगे हुए हैं। अब इस समय अगर किसी एक्टर की सबसे ज़्यादा चर्चा है तो वो अक्षय ही हैं। जी हाँ, एक्टर की पॉपुलैरिटी दिन पर दिन इस कदर बढ़ रही है कि भाई खान्स भी पीछे छूटते जा रहे हैं। अब एक बार फिर पॉपुलर एक्टर्स के मामले में अक्षय ने सलमान, शाहरुख और आमिर समेत सभी बड़े स्टार्स को मात दे दी है। दरअसल हाल ही में ऑर्मिक्स मीडिया ने साल 2021 जून तक के टॉप 10 पॉपुलर स्टार्स की लिस्ट जारी की है और इसमें इंडिया मोस्ट पॉपुलर एक्टर के नाम का ऐलान किया गया है। इस लिस्ट के सामने आते ही सुपरस्टार अक्षय कुमार के फैंस काफी ज्यादा खुश हैं, क्योंकि अक्षय इस लिस्ट में पहले नंबर पर हैं। हालांकि कुछ समय से उनकी फिल्में रिलीज नहीं हुई और आखिरी बार वो लक्ष्मी में नजर आए थे, जो कि दर्शकों को कुछ खास पसंद नहीं आ पाई थी। लेकिन इसके बावजूद भी खिलाड़ी कुमार नंबर वन पर हैं। वहीं मोस्ट पॉपुलर स्टार की लिस्ट में शाहरुख खान दूसरे नंबर पर हैं और पिछले कई सालों से उनकी कोई भी फिल्म रिलीज नहीं हुई है। वो जल्द ही पठान फिल्म से वापसी करेंगे और उनके साथ दीपिका और जॉन अब्राहम भी नजर आने वाले हैं। तो इस लिस्ट में ऋतिक रोशन तीसरे नंबर पर हैं और जल्द ही वो फाइटर बनकर धमाका करते हुए आप लोगों को भी नजर आएंगे। ऋतिक रोशन के फैंस भी उनकी फिल्मों का काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अब बात करें सलमान खान की, तो भाई वो इस लिस्ट में चौथे नंबर पर हैं और इस बात से उनके फैंस को जरूर थोड़ा सा झटका जरूर लगा है। इसका एक कारण ये है कि भाई हो सकता है कि भाई पिछले कुछ सालों से अपने स्टारडम के मुताबिक वो फिल्म नहीं दे पाए हैं। तो सलमान खान इस समय कुछ दमदार प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं। वहीं आमिर खान इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर हैं। आमिर खान की भी कोई फिल्म पिछले दो सालों से नहीं आई है और हाल ही में आमिर खान ने किरण राव के साथ तलाक का ऐलान किया था, जिसकी वजह से वो चर्चाओं में बने हुए हैं। अब बात करें छठे नंबर की, तो ये स्पॉट मिला है रणवीर सिंह को। इस समय वो फिल्म 83 को लेकर काफी मेहनत कर रहे हैं और इसके अलावा उनके कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो कि काफी जल्द ही सामने आएंगे। वहीं राजकुमार राव इस लिस्ट में सातवें स्थान पर हैं और उन्होंने कई दिग्गजों को पीछे छोड़ दिया है। जाहिर है कि लोग उनके काम को काफी पसंद करते हैं। अब इसके अलावा आठवें नंबर पर रणबीर कपूर, नौवें नंबर पर आयुष्मान खुराना और दसवें नंबर पर टाइगर श्रॉफ हैं। कहना गलत नहीं होगा कि भाई अक्षय कुमार ने खान्स के साथ साथ सभी स्टार्स को हरा दिया है। अब बताते चले, इन दिनों अक्षय फिल्म रक्षाबंधन की शूटिंग में बिजी हैं, जिसमें वो भूमि पडनेकर के साथ नजर आएंगे और इसके अलावा भी एक्टर की सूर्यवंशी, बेल बॉटम, पृथ्वीराज, बच्चन, पांडे जैसे फिल्में रिलीज के लिए तैयार हैं। वैसे आपका इस खबर पर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।